वैसे तो नए साल में लोग कई संकल्प लेते हैं, लेकिन एक संस्था के सदस्यों ने बेहतर ट्रैफिक, बेहतर इंदौर बनाने का संकल्प लिया। इस संकल्प के तहत सदस्य चौराहों पर उतरे और जनता को जागरूक और सतर्क किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक कदम मदद की और सेवा समिति की, जिनके युवा सदस्य राजीव गांधी चौराहे से देवासना का चौराहे पर उतरे और जनता को ट्रैफिक को लेकर सतर्क और जागरूक किया। हाथों में तख्ती और लोगों को समझाइश देते सदस्य चौराहों पर नजर आए। ये हमारी जो संस्था एक कदम मदद की और सेवा समिति, इसमें सभी युवा है और जिस तरह सभी लोग अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक रूप से नव वर्ष की शुरुआत करते, हम सभी ने ठाना कि हम हमारे शहर की नई शुरुआत करें, जिसके लिए हमने ट्रैफिक में हमारा शहर बेहतर हो, इस संकल्प के साथ आज हम सड़कों पर उतरे और नया वर्ष जो है हमारा वो इंदौर में बेहतर ट्रैफिक, बेहतर इंदौर की शुरुआत हो, इस संकल्प के साथ हम राजीव गांधी चौराहे से देवासना के चौराहे तक हमारी पूरी टीम प्रातः 9:30 बजे से 12 बजे तक यातायात अभियान, जागरूकता एवं सतर्कता अभियान चला रही है। संस्था अध्यक्ष ऋषभ बागौरा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि टीम विभिन्न चौराहों पर लोगों को ट्रैफिक के लिए जागरूक और सतर्क कर रही है, तो वहीं आगामी दिनों में रसोमा चौराहे को आदर्श चौराहा बनाने की भी बात कही। सर, इसमें आज हमने जागरूकता सतर्कता अभियान चलाया हुआ है, आने वाले समय में हम रसोमा चौराहे को हम एडॉप्ट करेंगे एवं इस चौराहे को हमने संकल्प लेंगे कि इस चौराहे को हम इंदौर का आदर्श चौराहा बनाएं। देखा जाए तो युवाओं द्वारा लिया गया संकल्प संभवतः इंदौर के ट्रैफिक को और बेहतर बनाने में कारगर साबित होगा। MP News के लिए अरुण यादव की रिपोर्ट।